गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 8। और चैप्टर 8 में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है गति। आप लोगों को जैसा कि पहले भी बता दिया गया है कि आप लोगों के सिलेबस में कुछ टॉपिक जो हैं चैप्टर से हटे हैं और कुछ चैप्टर जो हैं वो पूरे के पूरे ही इस साल रिमूव हो गए हैं। मतलब 2020 और 21 का जो सिलेबस है उसमें से आपके कुछ कोर्स कम किया गया है, जिसका वीडियो आपको पहले ही भेजा जा चुका है। तो चैप्टर जो 8 है उसमें हम गति का पहला, दूसरा, तीसरा जो नियम है वो नहीं पढ़ेंगे। इसके साथ ग्राफी विधि के द्वारा जो इन नियमों का प्रदर्शन किया गया था वो भी हमें नहीं पढ़ना है। हम बात करेंगे आज गति की। गति क्या होती है? कोई भी वस्तु अगर समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे हम गति कहते हैं। हो सकता है ये स्थिति एक साल में बदले, हो सकता है इसको 2 साल लग जाए, हो सकता है इसको 20 घंटे लग जाए। तो किसी वस्तु का अपनी मूल स्थिति से उसका जो परिवर्तन होता है, जो समय के साथ जो परिवर्तन आता है उसकी स्थिति में, वो गति कहलाती है। ये जितना जल्दी ज़्यादा होगा गति उतनी ज़्यादा होगी, और जितना कम होगा उतनी ही गति कम होगी। अगर हम पेड़ पौधों में बात करें तो पेड़ पौधों की, जैसे मान लीजिए कोई छोटा पौधा, उसकी एक टहनी यहाँ पे है और कुछ सालों बाद वो टहनी ऊपर तक चली गई, तो ये जो परिवर्तन आया, पहले यहाँ पे थी अब वहाँ चली गई, तो ये जो उसकी स्थिति में परिवर्तन आया, अपनी मूल स्थिति से ये दूर चला गया, तो उसको काफ़ी समय लग गया लेकिन इसमें गति हुई। सही, हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है, कुछ समय बाद ये यहाँ जाती है, तो इस जितने भी समय में ये वस्तु यहाँ से यहाँ आई है ये इसकी गति होती है। तो गति का मतलब कोई वस्तु जितने समय में जो दूरी तय करती है वो उसकी गति कहलाती है। अब हम बात करें, 2 शब्द आ रहे हैं हमारे सामने, विस्थापन और दूरी। ये चैप्टर शुरू करें इससे पहले इन दोनों शब्दों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों ही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है ये हम पढ़ेंगे, और इसी के आधार पर आके आपके त्वरण है, वेग है, उन सबको आप समझ पाओगे जब आप विस्थापन और दूरी को समझ पाओगे। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है ए, ये एक सीधी रेखा में गति कर रही है यहाँ तक, ये बी बिंदु है। किसी वस्तु ने ए से लेकर बी तक जो है टी समय में, समय यहाँ पे टी लिखा हुआ है, यानी कितना भी हो सकता है हमें नहीं पता। ये डिस्टेंस है डी, हमें नहीं पता कितना है लेकिन डी डिस्टेंस दिखा रहा है। तो यहाँ से लेकर बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक वस्तु ने जो दूरी तय की है, ये इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी है। दूरी का मतलब कोई वस्तु अपनी मूल जगह से, जिस पथ से होता हुआ गति करते हुए दूसरी बिंदु पर पहुंचता है, तो जिस पथ पे उसने गति की वो उसकी दूरी होती है। तो इसकी कुल दूरी हो गई ए और बीच की ये वाली दूरी। विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन होता है जहां से वस्तु ने चलना शुरू किया वो बिंदु, और जहां वस्तु रुक जाती है उन दोनों बिंदुओं के बीच की एकदम सीधी रेखा। यहाँ पर अगर हम दूरी की बात करें तो ए और बीच के बी यहाँ तक जो सीधी रेखा में दूरी तय की है, तो जितनी दूरी होगी विस्थापन उतना ही होगा। यहाँ पे दूरी और विस्थापन दोनों क्या है? बराबर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये दूरी और विस्थापन दोनों ही यहाँ पर इक्वल है। दूरी और विस्थापन दोनों ही बराबर है। अब दूसरी स्थिति देखिए, मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु चलना शुरू करती है, इसका ए पॉइंट है, यहाँ से ये चलना शुरू करती है, यहाँ पे बी बिंदु पर ये आती है, इसके बाद ये इधर घूम जाती है, ये बिंदु सी हो गया, और फिर ये वापस यहाँ आ जाती है, ये बिंदु हो गया डी। इस वस्तु ने कितनी दूरी तय की? इस वस्तु की दूरी हो जाएगी ए से बी की दूरी ये, और बी से सी और सी से डी, यानी ये जो पथ है इसकी कुल, इसका जो मान होगा वो इस वस्तु की कुल दूरी होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका लास्ट बिंदु है। विस्थापन होगा इन दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे दूरी तो है ज़्यादा और विस्थापन है कम। हमेशा ध्यान रखिए, विस्थापन और दूरी बराबर हो सकते हैं, दूरी ज़्यादा और विस्थापन कम हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है तो वो जितनी दूरी तय करेगी उतना ही उसका विस्थापन होगा। बिंदु ए और बी, बी के बीच की दूरी ये है, और बिंदु ए और बी, इन दो, इस किसी भी वस्तु ने ए से बी तक आने में जो कुल दूरी तय की है वो तो होगी इसकी कुल दूरी,
और विस्थापन ए और बीच के बी के बीच की दूरी ये हो गई, तो इसका विस्थापन, विस्थापन और दूरी यहाँ पे बराबर है। लेकिन यहाँ पर वस्तु ए से बी, बी से सी, सी से डी बिंदु पर आता है, तो ये तो होगी इसकी कुल दूरी। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हमेशा ध्यान रखना एक सीधी रेखा में होता है। कोई भी वस्तु जिस बिंदु से चलना शुरू करती है उस बिंदु और जहाँ से वो रुक जाती है उन दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी जो होती है वो उसका विस्थापन होता है। तो यहाँ पे जो दूरी है, दूरी है ये तो है ज्यादा और विस्थापन है ये है कम, यानी दो स्थितियां बन गई, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, दूरी ज्यादा विस्थापन कम हो सकता है। तीसरी स्थिति, ये एक वस्तु है बिंदु ए से चलना शुरू करती है, बिंदु बी तक पहुंचती है, फिर सी बिंदु तक आती है, फिर ये डी बिंदु तक आती है, उसके बाद ये नीचे जाती है ई बिंदु की तरफ, और फिर ये सीधे जाके और वापस ये ई और ये एफ हो गया, वापस आके यही रुक जाती है जी। तो यहाँ पे वस्तु ने ए बिंदु से दूरी शुरू की, यहाँ से चलना शुरू किया, ए से ये बी पे गई, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से वापस यहीं आ गई, ये इसका लास्ट बिंदु हो गया। जहाँ से वस्तु ने चलना शुरू किया वापस आकर वहीं पर रुक गई। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और यहाँ से मैं चारों तरफ घूम के आके वापस यहीं खड़े हो जाऊँ, तो यही मेरा शुरुआत का प्रारंभिक बिंदु है और यही अंतिम बिंदु है। जहाँ से वस्तु चलना शुरू करती है वो उसका प्रारंभिक बिंदु और जहाँ रुकती है वो उसका अंतिम बिंदु। तो यही प्रारंभिक बिंदु है और यही अंतिम बिंदु है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? जीरो। तो इस स्थिति में दूरी तो है लेकिन विस्थापन है जीरो। तीन स्थितियां हो गई दूरी और विस्थापन में। दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं कब? जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे। जब वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई जो कुल दूरी होती है वो और उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी जो दूरी होती है वो दोनों हमेशा बराबर होती हैं। तो ऐसी स्थिति में विस्थापन और दूरी बराबर होंगे। विस्थापन, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दूरी का मतलब होता है वस्तु जहाँ से चलना शुरू करती है उस बिंदु से वो जिन जिन रास्तों से होते हुए गुजरती है वो पूरा जो मान होता है वो उसकी कुल दूरी होता है। और विस्थापन का मतलब है कोई वस्तु जहाँ से चलना शुरू करती है वो बिंदु और जहाँ जाके वो रुक जाती है वो बिंदु, इन दोनों के बीच की एकदम सीधी दूरी। अगर कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू कर रही है घूम घुमा के यहाँ आ गई तो विस्थापन होगा ये, और ये यहाँ आके रुक जाती है तो विस्थापन होता है ये यहाँ चली जाती है तो विस्थापन होगा ये। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वो होता है विस्थापन। हमेशा ध्यान रखिए दूरी जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकती। मैं यहाँ खड़ी हूँ, 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, मैं यहाँ से हिली तक भी नहीं, यहीं खड़ी हूँ, तो समय तो निकला लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। गति का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, ठीक है। तो दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती लेकिन विस्थापन है वो जीरो हो सकता है। अगर वस्तु जिस स्थिति पर है उसी स्थिति में घूम के वापस वहीं पे आके खड़ी हो जाए तो विस्थापन जीरो हुआ लेकिन दूरी जीरो नहीं होगी। दूरी उसने जो पथ तय किया है वो होगी। तो दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं कब? जब दोनों जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही हो। दूरी ज्यादा और विस्थापन कम हो सकता है। यहाँ पे इस स्थिति में आपको दिख रहा है ये तो हो गई इसकी दूरी और यह है विस्थापन। दूरी हो सकती है और विस्थापन जीरो हो सकता है, ये स्थिति भी आपको दिख रही है। अब हम बात करते हैं गति की और वेग की। गति और वेग की हम बात करते हैं तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गति की। जैसा कि आप मैथ में पढ़ते भी हो, अगर गति का फॉर्मूला आपको पूछे किसी वस्तु की गति हम कैसे निकालते हैं, यह होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटे इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, कुल समय। कोई भी वस्तु जितनी दूरी तय करती है वो और उसमें कितना समय लगता है वो, इसके आधार पर हम कहते हैं वो गाड़ी तो बहुत तेज जा रही है, उसकी तो गति बहुत ज़्यादा है, उसकी गति बहुत कम है। जब दो लोग चल रहे हैं, एक जल्दी जल्दी चल के जा रहा है और उतने ही टाइम में दूसरा चल रहा है वो पीछे रह गया, तो पहले वाले की गति ज़्यादा है क्योंकि एक समान टाइम जो समय है उसमें दोनों में से एक ने ज़्यादा दूरी तय की है। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ से इस बिंदु तक पहुँचना है, ये हो गया एक्स और ये वाई। कोई वस्तु
यहाँ से चलना शुरू करती है और वो यहाँ तक पहुँचने में ये जो डिस्टेंस है ये 200 किलोमीटर का है, दोनों में बराबर है, ये जो डिस्टेंस होगा ये 200 किलोमीटर का है। वस्तु ए जो है, जैसे मान लो कि दो गाड़ियाँ हैं एक साथ चलना शुरू करती हैं, दूरी तो समान है लेकिन ये जो गाड़ी है ए और ये है बी, ये इसको तय करने में लेती है 5 घंटे और ये यहाँ पे पहुँच जाती है 2 घंटे में ही। तो इनमें गति किसकी ज़्यादा होगी? कुल दूरी है अगर हम पहली स्थिति में देखें 200/5, ये आपके आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इस वस्तु ने 1 घंटे में एवरेज 40 किलोमीटर की दूरी तय की है। दूसरी की बात करें 200/2, यह आ गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इस वस्तु ने 1 घंटे में लगभग 100 मीटर की दूरी तय की है। तो इसकी गति ज्यादा है और इसकी गति है कम। ध्यान रखिए समय बराबर है और दूरी भी बराबर है दोनों वस्तुओं की, तो गति बराबर होगी। समय समान है लेकिन एक वस्तु ज्यादा दूरी तय कर रही है दूसरी कम कर रही है, तो जो वस्तु ज्यादा दूरी तय कर रही है उसकी गति ज्यादा होगी। दूसरी स्थिति और भी हो सकती है, मान लीजिए दूरी समान है, एक वस्तु उस दूरी को तय करने में 4 घंटे ले रही है दूसरी 5 घंटे ले रही है, तो जो 4 घंटे में उस दूरी को तय कर रही है उसकी गति ज्यादा होगी दूसरी वाले की कम होगी। तो यहाँ पर जो गति है इसको आपको बताया, गति होती है कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। अब हम वेग की बात करते हैं, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटे कुल समय। मैं यहां खड़ी हूं, यहां से घूम के आके वापस यही खड़ी होगी, वेग हो गया 0 लेकिन इस सॉरी विस्थापन हो गया 0 लेकिन इस विस्थापन को करने में जो समय लगा वो तो है। तो ऐसे ही वेग जो है वो 0 हो सकता है, ध्यान रखिए, लेकिन गति कभी 0 नहीं हो सकती, वेग समय के साथ बदल सकता है। अगर हम बात करें विस्थापन, एक वस्तु है यहाँ से चलना शुरू करती हो और यहाँ पे आके पहुँचती है, इसमें वो 5 घंटे लेती है, तो दूरी हो गई ये, समय हो गया ये, वेग होगा बहुत कम क्योंकि वस्तु इस दूरी तो है ज़्यादा लेकिन विस्थापन बहुत ही कम है। अगर सीधी लाइन में चल रही है तो विस्थापन वेग होगा ज्यादा, तो वेग का मतलब है विस्थापन का जो मान आता है वो और उसमें लगने वाला समय। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले गति को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है वेग की परिभाषा लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है विस्थापन किसे कहते हैं एक उदाहरण के द्वारा बताइए। आज के लिए जो आपके क्वेश्चन वो कंप्लीट होते हैं, आपको ये क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करके मुझे इनका आंसर भेजना है। किसी भी क्वेश्चन या टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।